देखो बच्चों के अंदर ना कितनी एक्साइटमेंट होती है फूल लाने की। तो यहाँ पे इसने फूल इकट्ठा कर रखे हैं, बुरांस के और फ्योली के। तो ये होती है एक पहाड़ की लेडीज की लाइफ, मतलब सुबह अंधेरे में उठते ही उनका काम शुरू हो जाता है। क्या देवता की जय हो। एक दिया हमने अंदर जलाया है और एक दिया हम बाहर पे जला के रखते हैं। तो यहाँ पे पानी लेने के लिए आते हैं सब। पकड़ो दिया पानी बांधो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण व्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे आज का व्लॉग मैं सुबह सुबह अंधेरे में शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग प्यारी सी सुबह के साथ। कितना अच्छा व्यू हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो आज है हमारे फुलारी का दिन है। आज से हमारे गांव में फूल देवी का त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। चैत का महीना लग गया तो बच्चे सारे उठ गए, कोई चले गए, कोई अब जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सबके घर घर में फूल डालेंगे। पहले मंदिर में जाते हैं, उसके बाद घर घरों में जाते हैं, फिर जो घोगा देवता रहता है उसके पास आते हैं दोस्तों। फिर पूजा पाठ चलती है वहाँ पे। मैं तो जल्दी उठ गई थी क्योंकि आजकल हल्का टाइम भी है, तो अभी मुझे हल जाना है किसी दुरानी के साथ। हाँ, तो ऐसा होता है ना, अलग अलग मोहल्ले के अलग अलग जाते हैं। तो अभी हमारे साइड के जो हैं वो लोग भी जा रहे हैं फूलदेही का त्योहार मनाने के लिए, और अनमोल लोग भी आ गए हैं डोली लेने के लिए जो उन्होंने कल बनाई थी। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो अनमोल भी डोली लेके यहाँ पे तैयार है, और दूसरा पार्टनर कहाँ गए? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कुछ ना नींद अभी वो आधी नींद में हो क्योंकि वो इतनी सुबह कभी उठता नहीं है ना, तो वो पहली बार इतनी सुबह उठ रहा है। रुक रहे अभी उठ, मतलब रुक। तो चलते हैं दोस्तों और सबसे मिलाते हैं आपको और दिखाते हैं कि पहाड़ों में फूलदेही का त्योहार कैसे मनाया जाता है। दोस्तों ये होती है एक पहाड़ की लेडीज की लाइफ, मतलब सुबह अंधेरे में उठते ही उनका काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी देखो मेरी मम्मी का चाय का गिलास। चाय का गिलास भी देखो पहाड़ियों का कितना लंबा रहता है, और उनका नहीं रहता, मेरा ज्यादा ही रहता है। क्या बोलते हैं उसको, मैं तो जल्दी उठ गई थी दोस्तों, ये मत बोला सुबह उठ के सीधे चाय पी। पहले मैंने गर्म पानी पिया, उसके बाद मैंने लाल चाय पी, उसके बाद कितना काम होता है। गौशा लगाई अंधेरे में, अब बाघ डर भी लगनी हमारा बाघ सर बिल्कुल, मैंने खोड़ भी कन का उठा, और तब क्या बोलते हैं उसको बाघ का डर है। और तब मैं अब ये दूध वाली चाय पी रही हूँ, वो भी गुड़ वाली। अब मम्मी जाएगी बुताई करने, बुताई करने जाऊंगी। देखो अपनी कंडी दातली लेके जा रही हूँ दोस्तों। प्यार सपोर्ट जैसे बनाया है आपने, ऐसे ही बनाए रखना। जो लोग आप हमें इतना प्यार सपोर्ट देते हो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार बनाए, ऐसे ही प्यार बनाए रखना अपनी आंटी के लिए। किसी की आंटी होंगी, किसी की का की बॉडी सामने। और अभी मुझे ना बहुत ज्यादा लेट हो रहा क्योंकि बच्चे चले गए हैं फूल डालने के लिए। ठीक है, बाय बाय। सब बढ़िया, बहुत बहुत त्योहार शुरू, शुभकामनाएं आपको भी। आपको भी सब बढ़िया। हाँ सब बढ़िया चाचा जी। दोस्तों गांव के सभी बच्चे ना फूल डालने के लिए सबसे पहले माँ नारी देवी के मंदिर में आते हैं, उसके बाद ही सबके दरवाजों पे फूल डालते हैं, और उसके बाद घोगिया देवता की पूजा होती है। तो अभी हम नारी देवी के मंदिर में आ रखे हैं, और सारे गाँव के बच्चे यहाँ पे पहले भगवान जी को, माँ नारी देवी और तुंगेश्वर भगवान को फ्योली के फूल चढ़ा रहे हैं। अभी मैं मिलाती हूँ आपको हमारी फुलारी टीम से। ये देखो इनकी सबकी टोकरी, देखो इसकी टोकरी, देखो इसने ला रखे हैं फ्योली के फूल। अपने भी देखो तो ये इंची सजोली, इसको सजोली बोलते हैं, इसमें लाते हैं फ्योली के फूल। और ये गविले, ये क्या फूल है ना, सांदना फूल। और इन्होंने भी ये देखो सब ने सजोली रखी हुई। अपा यहाँ पता ले, यहाँ के लिए कम नंबर मीन आप, ठीक जी? वहाँ से ना फिर भी जो कम नंबर मीन पर यहाँ पता के ले लिया। और इसने भी देखो फ्योली के फूल, जिनके फ्योली के फूल ला रखे हैं उनको 10-10 नंबर मिलेगी सबको, ठीक है? कल से सब फ्योली के फूल लाएंगे। और इसने पहिया ला रखा है, और ये डोली वाले दो कल से धोती पहनोगे, ठीक है? बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी नहीं, धोती पहना। और अब रबर दिखा रहे, हाँ इनको इनको तो फुल नंबर है, इन दोनों को ये दोनों पास हैं, और सब इधर आधा आधा नंबर, ठीक जी? चलो भटिया, चलो चलो फूल।
बच्चों को देख के ना अपने बचपन की याद आने लगे, मतलब जो हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो हम पता क्या करते थे, मतलब ऐसा टास्क रहता था कि मतलब जो सबसे ज्यादा फ्योली है वो हमारे पास बचनी चाहिए, तो जो भी मोर रहते थे ना उनपे हम कभी कभी सुधी एक्टिंग करते थे ऐसे डालने की, और डालते ही नहीं थे, मतलब अपने पास ज्यादा फूल बचाने हैं गगे देवता के लिए। तो शायद ये बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ ना इनको, खाली खाली का हाथ है ना भगवान डालना फूल के हैं। तो चलते हैं अभी और लोगों के मोर पे भी जाना है हमको। तू भी कहीं धनिया खाली खाली वहाँ हाथ धनी है मोर पे दे फूल नहीं दिखे होना खाली पाया पता दिखे होना अर्जुन दोस्तों यहाँ पे हमारे चाचा जी देखो पहली माला हमारे घोगिया देवता पे, घोगिया देवता की जय हो जय हो जय घोगिया माता बोल दी घोगिया बोल दो तिलोते फूलोते। दूसरी माला यहाँ पे हमारे चाचा जी अभी हम पहुंच गए हैं कालिया भाई के घर पे, और यहाँ पे देखो सुबह का नाश्ता बनने लग गया। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक ठाक। और यहाँ पे सारे बच्चे फूल डाल रहे हैं और सुबह का नाश्ता बना रहे हैं सब अपने अपने घर पे। अभी यहाँ पे हमारी चाची जी भी नाश्ता बना रही है। हेलो गुड मॉर्निंग हम तो बनावा रोटी। बटेरे तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अपने घोगिया देवता में, जहां पे हम कल घसाई लिपाई कर रहे थे, और यहां पे सबकी सजोली जिन जिन के पास फूल हैं उनसे फूल लेके यहां पे डालते हैं। तो ये देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है हमारे यहां पे, ले बेटा कुछ ये फूल, ये पहिया के पत्ते होते हैं इनको भी डालते हैं, तो इनको हम साइड साइड में डालेंगे। देखो इस तरह से हमने सजावट कर रखी है और दिया भी जला दिया है, एक दिया हमने अंदर जलाया है और एक दिया हम बाहर पे जला के रखते हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, और जो माथम होता है ना माथम के रूप में भी हम फ्योली के फूल देते हैं और पिठाई देते हैं घर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पूरी घोगिया वाली टीम, और अभी यहाँ पे पूजा पाठ भी हो गया है, सबको टीका भी लग गया है, और घर के लिए यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। बोलो घोगिया देवता की घोगिया देवता की जय। तुम आवाज नहीं जोर से बोला घोगिया देवता की जय हो। हम तो विद्या रे माथम जय हो जय हो घोगिया देवता की। आप लोग भी ले लो माथम जय हो घोगिया देवता जय हो। तो दोस्तों अभी शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं, और सुबह से अब जाके मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज घर में इतना ज़्यादा काम था ना मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगा, तो अब जाके मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और सबसे पहले ना मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, आज सुबह से मौसम ऐसे गड़बड़ हो रखा है, ये देखो आसमान में काले काले बादल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है ख़तरनाक बारिश आने वाली है आज। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान में सब्ज़ी लेने के लिए, रात के खाने की तैयारी करते हैं, और मम्मी जा रही है घास के लिए, तो चलते हैं सब्ज़ी लेके आते हैं। पे देखो बच्चों के अंदर ना कितनी एक्साइटमेंट होती है फूल लाने की, तो यहाँ पे इसने फूल इकट्ठा कर रखे हैं बुरांस के और फ्योली के। बुरांस के फूल कहाँ से लाया आप? कार्तिक स्वामी। हाँ, तो इनका स्कूल का टूर जा रखा था कार्तिक स्वामी, तो वहाँ से बुरांस के फूल लेके आई। तो जैसे मैं यहाँ पे आई ना तो बोलने लगी दीदी मेरे फूल देखो। अभी आ रखे मैं चाचा जी की दुकान में सब्जी लेने के लिए। ठीक ठाक चाचा स्वास्थ्य पानी बिल्कुल धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर के ठीक सामने पे हमारा धारा है, यहाँ पे पानी लेने के लिए आते हैं सब। पकड़ो पानी बांधो यार मुड़ा।
ना पार्किंग कहो पार्किंग मेरा मुंडा लम्बा छो आजकल यही मीम चल रहा है सब जगह मुंडा लम्बा छो है तो यहाँ पे पानी भरने के लिए आ रखे सब और यहीं पे सामने पे दुकान भी है तो सब्जी लेने के लिए भी आता है यहाँ पे। हेलो हेलो। तो दोस्तों अभी मेरी मम्मी भी आ गई है खेत से और मम्मी की तैयारी होने लगी है गौशाला जाने की। हाँ दोस्तों अब गौशाला जा रही हूँ क्योंकि आजकल बुताई हो रही है थकान भी इतनी हो गई क्या करें। हल से आओ एक दो बज जाते हैं वहाँ से आके फिर भैंस को पानी पिलाओ फिर थोड़ा सोई फिर उठी भैंस को बाहर निकालो अंदर भेजो तो वही चल रहा है आजकल यही चल रहा है आजकल इतनी थकान हो रही है कि बोला भी नहीं जा रहा। पहले हम वहाँ कोठी में थे वहाँ भी थकान ही हुई रात भी दिन भी वही माँ ने बात कर दो बेल बेली कोठी में थकान हुई नाग देव बना बोला आ क्या था चाहिए ना ना नाग देव तो बोलो बनाएंगा कि ये बहुत बड़े बुनी से लगी तो दोस्त जाते हैं वहाँ ना जब हम भैंस के पास वहाँ गौशाला में दूध निकालते ना तो मेरा तेल की डिब्बी हो गई थी खत्म फिर इसमें तेल लेके जा रही है मत बोलना वहाँ साड़ी में तेल की मालिश भी करते हैं हम भैंस वैसे मालिश नहीं करते उसके चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी मेरे रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है और आज मैं बना रही हूँ हरे प्याज की सब्जी जो कि मेरी फेवरेट है और चूल्हे में लोहे की कढ़ाई में बनेगी तो फिर तो और ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट किया ना तो बाहर देखो कितनी तेज बारिश आने लगी। मैं शाम को बोली रही थी कि बारिश आएगी और बारिश आना स्टार्ट भी हो गया। तो दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है और खाने में क्या क्या बना है मम्मी? खाने में हरे पत्तों की सब्जी बना रखी है, दिन की दाल है, दूध है, रोटी है। हाँ ये तो होता है पहाड़ों में। बिल्कुल। तो ब्लॉग को एंड कर दे साथ साथ एकदम से कर दो। हाँ भूख लगी अब नहीं नहीं भूख भाग तो कुछ नहीं बनी आ रही थकान लगी। तो कर दो फिर एंड। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, पसंद आती है तो आपको पता ही है आप समझदार है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।